नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डॉल IMM स्टार्टर को इंस्टॉल करना। यह नया डॉल IMM स्टार्टर है, इसको हम इंस्टॉल करके बताएंगे, और इसके साथ ऑटोमेटिक के कनेक्शन करके बताएंगे, ऑटो स्विच के कनेक्शन करके बताएंगे, मोटर के कनेक्शन करके बताएंगे, और जो बाहर से तार आए होते हैं तो कंप्लीट कनेक्शन वगैरह इसके करके बताएंगे आपको। तो वीडियो को कंप्लीट ध्यान तक पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर है बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू स्टार्टर। ये ऑयल स्टार्टर है 3 फेज का, 20 HP का है ये। 20 HP तक की मोटर से आप चला सकते हो समर्सिबल। तो इसका एक तार हमने निकाल दिया जो कि रेड बटन का है, वो इसलिए निकाला हमने क्योंकि इसको हमें ऑटोमेटिक से कनेक्ट करना है, ऑटोमेटिक से हम इसको चलाने वाले हैं, इसलिए इसको निकालना पड़ता है। तो हमने डायग्राम वाली वीडियो में भी, या ऑटोमेटिक कैसे कनेक्ट करते हैं उस वीडियो में भी बताया था इसके बारे में। अब ये रबर जो इसके साइड में दिया हुआ है तारों के लिए है, इसके अंदर छेद करके तार हम इससे निकालते हैं, या इसे आप हटा भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, NSI नेशनल ऑयल IMM डॉल स्टार्टर है। नीचे की तरफ से देख लीजिए, यहाँ पे जो HP का जो हिसाब होता है, 10 HP का भी आता है, 15 का भी आता है, ये 20 का है। तो ये पत्तियाँ इसमें बड़ी होती चली जाती हैं, जो पत्तियाँ हैं ये लोड के हिसाब से ज़्यादा बड़ी इसके अंदर देखने को मिलती हैं, 10 के में आधी बहुत छोटी मिलती हैं देखने में। तो इन पत्तियाँ का ही मेन कार्य होता है। तो ये पत्ती जो होती हैं ये मजबूत और ज़्यादा बड़ी देखने को मिलती हैं ज़्यादा HP वाले में। ये हमारे पास एक ऑटोमेटिक है, ऑटो स्विच है 5 तार वाला, ये पुराना ही है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे इसमें। तो हमने ये तार इसका निकाल दिया है, अब इस तार को हम मोड़ सकते हैं या अलग भी कर सकते हैं, इसका कोई कार्य नहीं है। अगर आप दोबारा से ऑटोमेटिक को हटा के स्टार्टर से चालू करना चाहते हैं तो इस तार को वहीं वापस लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से ही है, ये फेस नंबर 3 का तार है इनर साइड से। ये NSI का है, यहाँ पे अदर प्रोडक्ट दिखा रखे हैं डब्बे के ऊपर, जो अलग अलग तरह के स्टार्टर वगैरह आते हैं। ये 20 HP का है, अब जो ऑटोमेटिक हम इसके अंदर लगा रहे हैं उसके तारों को इसके अंदर की तरफ घुसा लेना है, और जहाँ से हमने रेड बटन से एक तार हटाया है वहाँ पे हम एक तार लगाएंगे, वहाँ पे इस ऑटोमेटिक का मैनुअल वाला तार लगाएंगे जो कि रेड कलर का है, वो तार लगाएंगे। तो अलग अलग तरह के ऑटोमेटिक में अलग अलग कलर के तार देखने को मिलते हैं, तो इसमें मैनुअल वाला जो है मैनुअल मोड में चलाने के लिए यहाँ पे रेड कलर का तार है, और जो पीला तार देख रहे हैं वो ग्रीन स्विच में लगेगा। तो एक ग्रीन स्विच में लगेगा पीला तार, वो रेड तार जो है वो रेड स्विच में लगेगा।
ग्रीन स्विच स्टार्ट के काम में आता है, मोटर को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए, और ये स्टॉप के कार्य में है। तो जो रेड तार है यह मोटर को मैनुअल चलाने के लिए है, बटन से चलाने के लिए है, ऑटोमेटिक को मैनुअल मोड में करके स्टार्टर से चलाने के लिए ये है रेड तार। और जो पीला तार है वो ऑटोमेटिक से डायरेक्ट चलेगा, उसमें बटन का कोई कार्य नहीं रहेगा। ये दो तार ऑटोमेटिक के हमको लगा देने हैं। इस पे हमने स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, कैसे कनेक्शन करते हैं, स्पेशल वीडियो भी, और इस वीडियो में भी हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों अब इसके तीन तार और लगाने हैं आपको, तो वो भी देख लीजिए। तो इसमें मैंने बताया रेड तार जो है वो मैनुअल चलाने के लिए, और पीला तार है जो ऑटोमेटिक ऑटो चलाने के लिए। ठीक है, ऑटो और मैनुअल के दो तार हमने लगा दिए हैं। अब बाकी तीन तार बचे हैं, दो ब्लैक हैं और एक ब्लू तार है। तो इसके अंदर ऑयल भर लेते हैं। ऑयल आपको साफ़ रखना है, ऑयल के अंदर कोई कार्बन वगैरह कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर ऑयल भर लिया है। ऑयल आपको पूरा रखना है, जितनी भी पत्तियाँ इसके अंदर हैं सारी की सारी डूब जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट होती है। और ऑयल नहीं रहेगा तो स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होगी तो पत्तियाँ जो हैं वो उस पर कार्बन आ जाएगा और पत्तियाँ जो है जल जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऑयल भर ले और फिर इसके दोनों साइड के जो पेच हैं उनको कस लीजिए। तो इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 1199 रुपये, 1100 के आसपास से इससे आप ले सकते हैं, और सस्ता भी इसे आप ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन ख़रीदें तो यहाँ पे हमने अंदर इसको रख लिया है, जहाँ पर हमारा फ्यूज वगैरह जिसको कटआउट बोलते हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पे एम्पियर मीटर है, वोल्टेज मीटर भी इसके यहाँ पे लगाया हुआ है, और यहाँ पे तीन तार हैं। ये जो तीन तार आप देख रहे हैं मोटे मोटे, ये ऊपर से आ रहे हैं, बिजली के तार हैं, तीन मेन, तीनों के तीनों फेस हैं, और इसको अंदर की तरफ हम कर लेते हैं। अब ये तीन फेस जो हैं वो तीनों के तीनों इनर साइड लगेंगे। तो ये इन साइड है, इन साइड जहाँ से इसके कनेक्शन होते हैं, बाकी आउटर साइड जो होती हैं तीन पिन, वो सीधी मोटर के अंदर जाती है, उस पर कोई फालतू के और कनेक्शन नहीं होते। तो स्टार्टर के जितने भी कनेक्शन होते हैं इनर साइड होते हैं, ऑटोमेटिक के जितने भी कनेक्शन होते हैं इनर साइड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो ये जो बाहर के जो मेन तार हैं वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। और हमने एक तार देखिए इसकी पत्ती में लगा दिया यहाँ पे, और हम ऑटोमेटिक का एक जो ब्लू तार है वो यहाँ पे लगाएंगे। ये ब्लू तार ये है जो कि सर्किट को पूरा करता है, ये इसका एक फेस है ऑटोमेटिक का। ऑटोमेटिक में तीन फेस जाने चाहिए, तो ये एक तीसरे नंबर का फेस है जो ऑटो वाले तार में जाता है और फिर मैनुअल वाले तार में भी जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने ऑटोमेटिक का कार्य, ऑटोमेटिक किस तरह से कार्य करता है उसमें, और उसका वायरिंग डायग्राम, स्टार्टर किस तरह कार्य करता है उसका वायरिंग डायग्राम, और दोनों के कनेक्शन, ऑटोमेटिक स्टार्टर के कनेक्शन डायग्राम से समझाए हुए हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो वो वीडियो देख लीजिए, पिछले वीडियो है, इस वीडियो के नीचे वाले वीडियो। ठीक है, अब एक तार हमने यहाँ पे जो बाहर से आ रहा है फ्यूज से आ रहा है वो लगा दिया है एक फेस, और एक नीला तार हमने लगा दिया है ऑटोमेटिक का। तो ये नीला तार इसी साइड लगना चाहिए तीसरे नंबर वाली पिन में, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। जब नीले वाले तार में करंट जाता है तो
जब ऑटोमेटिक मैनुअल मोड में होता है तो ये रेड बटन में जो लगी हुई लाल तार है इसमें करंट आ जाता है नीले वाले का डायरेक्ट, और जब ये ऑटो मोड में होता है तो पीले वाले में आ जाता है यही ब्लू तार, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब एक ब्लैक तार ले लीजिए और बीच वाले में लगा दीजिए, एक ब्लैक तार और एक फेस हम इसके अंदर दे रहे हैं बीच वाली पिन के अंदर इनर साइड, ठीक है। ऑटोमेटिक के अंदर तीन फेस जाते हैं, जब तीन फेस जाते हैं तभी ऑटोमेटिक कार्य करता है, तीन फेस नहीं जाएंगे तो यह मोटर को नहीं चलाता है। इसका मैनुअल जो पीला वाला तार है उसमें करंट नहीं आएगा, और इसमें करंट नहीं आएगा तो स्टार्टर ऑन नहीं होगा, तो इसमें तीन फेस देने अनिवार्य होते हैं। तो तीन तार तो इसमें तीन फेस देने के लिए होते हैं, और दो तार होते हैं जिसमें एक ऑटो पे चलाने के लिए एक मैनुअल पे चलाने के लिए है। तो अब पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप इसका पूरा का पूरा फंडा समझ जाएंगे, पूरा का पूरा डायग्राम, पूरा का पूरा सिस्टम। अब ब्लैक तार एक और बचा है ऑटोमेटिक का, वो भी इसके साथ लगा दीजिए, तीसरा वाला जो है तीन फेस हैं तो तीनों के साथ एक एक लगा देना है। बस ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाली पिन है उसमें ब्लू तार आपको लगाना होता है जो कि मेन है, बाकी ऑटोमेटिक्स होते हैं उसमें अलग कलर का भी ये जो तार है ये दिख सकता है, तो उस पर लिखा होता है, वो चीज़ आप देख लीजिए। और जितने भी ऑटोमेटिक आते हैं उसके साथ एक डायग्राम होता है, तो डायग्राम में बना होता है कि किस तरह से आपको लगाना है, कौन सा तार किस कार्य का है, कौन सा ऑटो का, कौन सा मैनुअल का है, कौन से फेस के, तो उस पर सारे लिखे होते हैं, तो वो चीज़ देख के आप इसको सेट कर सकते हैं। तो आप अच्छे से लगा लीजिए इन तारों को। तो हमने दो ब्लैक और एक ही ब्लू तार लगा दिया है, ब्लू और दो ब्लैक के अंदर हम फेस देते हैं। अगर मोटर के अंदर ऑटोमेटिक के अंदर लाल बत्ती जलती है, लाल बत्ती जलने का मतलब है कि प्रॉब्लम है, तो आप एक काम कीजिए कि दो जो ब्लैक तार हमने लगाए हैं ऑटोमेटिक के फेस नंबर वन फेस नंबर टू में जो लगाए इनको आपस में चेंज कर लेना है, आपस के अंदर चेंज करना है, ठीक है। ब्लू को नहीं छेड़ना है, इस ब्लू को नहीं छेड़ना है, यहाँ पे ब्लैक लगा हुआ है बीच वाली में, इसमें ब्लैक है, इन दोनों को आपस में बदल लेना है अगर कोई रेड लाइट इसके अंदर जले तो, तब उस कंडीशन में। तो पांच के पांच तार हमने इसमें लगा दिए हैं, तीन तार हमने फेस के लगाए हैं जो कि कटआउट से होके आ रहे हैं, फ्यूज से होके आ रहे हैं। अब हमारे तीन पिन बच जाती हैं स्टार्टर की तीन पिन बच जाती हैं जो कि आउटर साइड है, इसमें हम तीनों मोटर के तार लगा देते हैं। अगर राउंड और उल्टे हों, मोटर कम पानी दें, इसका मतलब राउंड उल्टे हैं मोटर के, तो किसी भी दो तारों को आपस में बदल दीजिए मोटर वाले की, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।